प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को करेंगे संबोधित। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आईएमसी 2020 को ऑनलाइन करेंगे संबोधित। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग की कोशिश का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहां एक युवक को लोगों ने गौकसी के आरोप में पकड़ लिया और उसे खंभे से बांधने के बाद जमकर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। आंध्र प्रदेश के एलुरू कस्बे में रहस्यमय बीमारी के चलते एक की मौत और 380 से अधिक लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मरीजों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री। कृषि सुधार अध्यादेशों को लेकर किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर हमलावर विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया आड़े हाथों। कहा, कृषि कानूनों का विरोध राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र, किसानों के कंधे पर रख कर चला रहे बंदूक। लगातार पांचवें दिन शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स निफ्टी ने बनाया ऊंचाई का नया रिकॉर्ड। विंडीज के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर विलियमसन ने की विराट कोहली की बराबरी। देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली खपत को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ग्रामीण उज्ज्वला योजना अगले महीने से हो सकती है शुरू। गाँव में बांटे जाएंगे 60 करोड़ LED बल्ब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का दिल्ली से ऑनलाइन किया शिलान्यास। कहा, हर चुनाव में दिख रहा है किसानों का विश्वास। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस अब खुलकर सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस के सांसद किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर करेंगे धरना प्रदर्शन। भारतीय नौसेना के दुर्घटनाग्रस्त हुए प्रशिक्षु MiG-29 के विमान हादसे के 11 दिन बाद लापता चल रहे दूसरे पायलट कमांडर निशान सिंह का शव हुआ बरामद। शादी की छुट्टी के लिए पत्र लिखकर आए थे चर्चा में।